भोपाल के मिंटो हॉल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 145 नव निर्मित शैक्षिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम किया। सीएम शिवराज ने कहा कि आज हमारे शिक्षा परिसरों का लोकार्पण का काम संपन्न हुआ है, जिसमें 497 करोड़ की राशि से अच्छे हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी भवन, जिसकी लागत 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, और कन्या शिक्षा परिसर जो लगभग 27 करोड़ से ज्यादा की राशि का बना है, जहां बेटियां रहकर शिक्षा प्राप्त करेंगी, ऐसे भवनों का लोकार्पण हुआ। सीएम शिवराज ने बताया कि शिक्षा के लिए जरूरी है स्कूल में पर्याप्त और अच्छी व्यवस्थाएं हो। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने का युग समाप्त हो गया है। स्कूल गुणवत्तापूर्ण और आज की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे भवनों का निर्माण हुआ है और ये काम लगातार जारी है। भोपाल से आमिर अली की रिपोर्ट। आज हमारे स्कूल भवनों का और कन्या शिक्षा परिसरों का लोकार्पण का काम संपन्न हुआ है। 497 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के अच्छे हाई स्कूल हाई सेकेंडरी भवन, जिनकी लागत 80 लाख से लेकर 1 भवन की 1 करोड़ तक है, और कन्या शिक्षा परिसर जो लगभग 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का एक बना है, यहां बेटियां रहकर शिक्षा प्राप्त करेंगी, इन भवनों का लोकार्पण हुआ है। शिक्षा के लिए जरूरी है स्कूल में पर्याप्त और अच्छी व्यवस्थाएं। पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ने का युग हमने विदा कर दिया है और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों के जो आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हों, ऐसे भवनों का निर्माण हुआ है। ये लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्कूल को भवन विहीन नहीं रहने देंगे। आज उन्हीं के लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बिजली और बाकी जो सुविधाएं, सारी चीजें, बिजली हो, टॉयलेट हो, लैब हो, लाइब्रेरी हो, जो आवश्यक व्यवस्थाएं, यहाँ तक के खेलने की व्यवस्थाएं भी हो, उसका इंतजाम करते हुए भवन बन रहे हैं। ठीक सर, थैंक यू बहुत।